हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जायके की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और इस जायके के सफर में आज हम आ चुके हैं दिल्ली के चांदनी चौक में की चटपटी गलियों में। और आज हमारे साथ है न्यू गेस्ट श्रेया जैन। हेलो, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। तो ये इनका भी चैनल है बढ़िया खाना, तो आप इन्हें भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक से एक वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपने समोसे बहुत खाए होंगे, जैसे आपने 8 इंच समोसा खाया होगा, चोंच वाला समोसा खाया होगा, इंडियन समोसा खाया होगा, चाउमीन समोसा, पिज्जा समोसा। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं जापानी समोसा, वो भी इंडिया में। आप सोचेंगे भाई जापानी समोसा वो भी इंडिया में कैसे, तो बाकी आइए चलिए। तो हम आए हैं आज मनोहर ढाबे पर, जिनके यहाँ पे मिलते हैं जापानी समोसा। तो पूरी रेसिपी को एंड तक देखना मत भूलना, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। वीडियो देखते ही देखते आपकी लाल टपकने लगेगी, तो लाल टपकी ना आपकी, वैसे ही आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते फोन की डिस्प्ले ही तोड़ दोगे, इतनी लाजवाब वीडियो होने वाली है। तो आइए चलिए हमारे साथ। तो गाइस, आ गए हम जापानी समोसा मनोहर ढाबे जी के ओनर जी के पास। तो हम बात करते हैं और पूछते हैं ये कब से लगा रहे हैं ये डिस्को, और इनके माइंड में कैसे आया कि जापानी समोसा वो भी इंडिया में बेचने का। तो आइए चलिए हम बात करते हैं। तो आ गए भैया जी के पास, भैया जी से बात करते हैं। हेलो भैया। हाँ जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है जी। तो सर, जो मनोहर ढाबा आपने नाम सोचा है, ये किसके नाम से था? ये हमारे लाला जी थे, मेरे ताऊ जी, उनका नाम था लाला मनोहर शाह जी। जी, उन्हीं के नाम से है दुकान मनोहर ढाबा जी। जी, 1924 में लाहौर में शुरू किया था उन्होंने जापानी समोसा जी। अब 2024 शुरू हो गया, पूरी सेंचुरी हो गई, 100 ईयर हो गए जी, 100 साल हो गए पूरे। तो जैसे सर 100 साल पहले आपके जो ताऊ जी है, दादी जी जो भी है, उनके माइंड में ये कंसेप्ट आया कैसे? ये तो हम लोगों ने कभी उनसे पूछा नहीं। जापानी समोसा जापानी समोसा नाम से चल रहा है, क्यों पूछा, कैसे बनाया, कैसे नहीं बनाया, क्या नाम रखा, वो हमें मालूम नहीं, पूछा नहीं। तो जो इसका बेस होता है, बेस किस चीज का होता है? जो ये पूरा मैदे का बनता है। अच्छा, पूरे मैदे का? मैदे का बनता है जी। तो आप हमारी इसको बनाने में 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे एक समोसे में 60 डेयर होते हैं। ये देखिए, ये है हमारा जापानी समोसा। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये इनका जापानी समोसा, इसमें 60 लेयर है। 60 लेयर है, और देखने में लोग थोड़ी ऐसी आ रही है बिल्कुल पेटीज वाली, राइट सर? पेटीज अलग चीज होती है जी। वो तो भैया का कहना है कि हमको तो हमने अपना रिव्यू दिया, लेकिन भैया बताइए, पेटीज तो अलग चीज होती है, लेकिन आप समोसे का एक बात देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी हम अपनी प्लेट लगाते हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस हम आप तक पहुंचाते हैं। तो सर आप हमारी प्लेट लगाइए। हाँ जी, हाँ जी। एंड आपने समोसा खाया होगा, चटनी के साथ आपने खाया होगा, लेकिन इनके यहाँ मिलते हैं छोलों के साथ, गर्मा गर्म छोले, वो भी जायके दार चटपटे वाले। तो हमारी प्लेट लग रही है, आप छोले देखिए एक बार। देखिए, पिंडी चना है जी, पिंडी चना। हाँ जी जी, थोड़ी सी ऊपर पालक की ग्रेवी डालते हैं जी, पालक की ग्रेवी, पालक की ग्रेवी, थोड़ा सा सलाद जी, थोड़ी सी चटनी, भाई वाह। और ये आ गया ऊपर जापानी जापानी समोसा, ये आ गई एक प्लेट जापानी समोसा जी। सर इसके क्या प्राइस होने वाला है? ये 50 रुपीज की प्लेट, अभी 50 रुपीज की दो प्लेट, दो पीस है। तो आप देख सकते हैं प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, 50 रुपए में मात्र 2 पीस, और पेट फुल हो जाएगा आपका, और दोबारा यहीं आओगे मनोहर ढाबे पे। बाकी चलते हैं, हम खा के यहाँ का एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाते हैं। तो गाइस फाइनली आ गया हमारा समोसा, जापानी समोसा, आप देख सकते हैं, हमने वीडियो में भी आपको दिखाया होगा कितना लजीजदार है। आपने चटनी के साथ बहुत खाया होगा समोसा, लेकिन छोलों के साथ मैं कहूँ जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ जो कि छोलों के साथ समोसे मिलते हैं। तो खा के यहाँ का एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाते हैं। आप लुक देख सकते हैं, बिल्कुल लुक ऐसी है जैसे फैन, आपने पेटीज खाई होगी, पेटीज वाला क्रंची क्रंची। ये आ गए भाई हमारे छोले, पर खाने में भी अपने में टास्क है। एंड ये आ गई इनकी ग्रीन चटनी, आप देख सकते हैं हम बाइट मारते हैं। गाइस ऑथेंटिक टेस्ट है, गाइस आप देख सकते हैं छोलों के साथ साथ, अब इनका बेस देखोगे ना तो आलू की पिट्टी है, लेकिन जो इनकी ये ऊपर का जो बेस है, ये पापड़ी बड़ी क्रंची है। मन कर रहा है आलू कटा के चाय के साथ यही खा जाओ, छोलों के साथ भी लाजवाब टेस्ट बन गया आज हमारा। ये जाएगा आपको खाना है तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा चांदनी चौक की चटपटी गलियों पर मनोहर ढाबे वालों के यहाँ पे। बच्चे बच्चों से पूछ लेना भाई हमें मनोहर ढाबे पे जाना है, हाथ पकड़ के आपको यहाँ छोड़ेंगे। तो बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना, इतना अपनी प्लेट को फिनिश करते हैं। थैंक यू।